हुए हैं, तो बात से मेरे शौहर मुझसे बे इंतहा चिड़चिड़े रहते हैं और तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैंने कहा बहन से कि बहन आपकी रूटीन क्या है? तो बहन ने कहा कि मैं सुबह उठ के बच्चों को देती हूँ और फिर सारा दिन बच्चों में उलझी रहती हूँ, रात को इतना थक जाती हूँ कि फिर मैं बेड पर बिल्कुल ढेर हो जाती हूँ। तो मैंने कहा बहन फिर आपने अपने शौहर को तो टाइम दिया ही नहीं ना, जब आप अपने शौहर को टाइम नहीं देंगे तो जाहिर है वो कहीं और टाइम लेगा, सही आप जब गैप छोड़ेंगे तो वो गैप पूरा करने के लिए कहीं और मुंह मारेगा। तो सही आप बच्चों को भी बिल्कुल ध्यान दें, बच्चों को भी करें, लेकिन आपके शौहर से आने से पहले आप खुद इतनी वेल ड्रेस्ड हो और इतनी अप टू डेट हो कि आपके शौहर की निगाह जब आप पर पड़े तो पूरे दिन की थकन आपके शौहर की आपकी मुस्कुराहट को देखकर खत्म हो जाए। और ये सही अल्लाह ने रखा है आसिफ भाई, अल्लाह ने इस रिश्ते के अंदर, मियां बीवी के रिश्ते के अंदर ये पाकीजा जज्बा रखा है बिल्कुल कि जब औरत मुस्कुरा कर देखती है ना अपने शौहर को, तो शौहर की सारी दिन भर की थकन एक हवा बनकर उड़ जाती है। क्या बात। ऐसे ही जो है वो शौहर के साथ भी है कि बीवी सारे दिन की थकी हारी हो और शौहर अगर आकर मुस्कुरा कर असलाम वालेकुम कह दे, कैसी हो, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, तो उस औरत की दिन भर की सारी दिन की थकन वो हवा की तरह उड़ जाती है, उड़न छू हो जाती है। सही तो बात। अगर हम ये चाहते हैं कि महबूब आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के महबूब हैं, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम और उनके अजवाज सारे एक दूसरे के महबूब थे, अल्लाह वाले और उनके अजवाज सारे एक दूसरे के महबूब थे, सही उनमें कोई गैप नहीं था कि कोई नामहरम महबूबा बनकर उनके दिल में आ जाता। सही लिहाजा मेरे दोस्त का वो कहना कि यार बीवी बीवी होती है, महबूबा महबूबा होती है, तो ऐसा नहीं है। बीवी को ही महबूबा बना लें और महबूबा अगर कोई है तो उसको बीवी बनाने की फिक्र करें पहली फुर्सत में। सही सही अगर बिल्कुल वालदेन मान जाते हैं तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपके कुलीग, ऑफिस कुलीग में कोई आपको अच्छी लगी है, आपका दिल उनसे मिलता है, आपका मिजाज उनसे मिलता है, सोच उनसे मिलती है, तो देर ना करें, फौरन से बैठ कर अपने वालदेन से बात करें, भाई ये लड़की है, इस तरह इनका घर का माहौल है, आप जाकर रिश्ता लेकर आए, सही रिश्ता हो जाता है वेलकम, माशाल्लाह अल्लाह बरकत फरमाए, नहीं होता तो दिल टूटेगा ना, दिल बिल्कुल टूटेगा तो उसका मजा ही कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी लिहाजा तो चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे सही से कोऑपरेट करें, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखें, एक बिल्कुल गुस्से में हो दूसरा ठंडा हो जाए, दूसरा गुस्से में हो पहला ठंडा हो जाए, सही उसके कंधे पे हाथ, आप दोनों दोस्त हैं ना, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं ना, सही एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर डोंट वरी सही यार कोई बात नहीं, खैर है, मैं हूं ना, कोई मसला नहीं, हम मिलजुल कर मामले को हल कर लेंगे, बस ये सही चंद जुमले आपका महबूब आपके कदमों में मन में रहेगा, कदमों में बिल्कुल बिल्कुल जनाब। रहेगा। और ये आज की गुफ्तगू यकीनन ये बहुत कहने के अहम मामला था जिस पर हमने आज कोशिश की है कि बात की जाए और आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप इस तरह का कोई भी अमल करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अगर किसी भी ऐसे शख्स के पास जाकर जिस जो कि सिर्फ आपसे पैसे लेकर आपके मसला हल करेगा, तो खुदारा इस चीज़ को आपने बहुत गौर से देखना है। और यकीनन इस तमाम गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हो गया कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो कि आप खुद बैठकर हल नहीं कर सकते, किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब आज की गुफ्तगू यकीनन आपको पसंद भी आएगी और आप हमें बताएंगे भी ये कि प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये इसके आपके मैसेजेस और आपकी जो ईमेल्स हैं उसके हवाले से हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है और आपके जो मसाइल हैं उनमें आपको हल करने में काफ़ी मदद कर रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते से एक सिलसिला और शुरू करेंगे और वो मैं आज दोनों मौजूद मेहमान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं इनके सामने और आपको बता देता हूँ कि हम इस्तखारा जो है ना अब आपको करके बताया करेंगे। अगर आपको कोई मसला है जो कि इस्तखारे के हवाले से होगा और यकीनी तौर पर जो उस वक्त सदीक बरकाती साहब हैं वो आपको इस्तखारा करके आपका जो कोई भी मसला है चूँकि आप समझते हैं कि इसको इस्तखारा करके मालूम किया जाए कि ये काम करना है कि नहीं करना, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। मुझे नजम खान को सदीक बरकाती को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शब खैर।